हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि पूरे जून माह बंद रहने वाली बेंगलुरु फ्लाइट 1 जुलाई से फिर शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह फ्लाइट सातों दिन उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट के शुरू होने के साथ यात्रियों को बेंगलुरु के लिए सुबह और शाम दोनों समय फ्लाइट मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आगाज किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा पाटन दुर्ग में सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री की प्रारंभिक शिक्षा इसी शाला में हुई थी। रायपुर नगर निगम में मंगलवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। इसमें शहर के विकास से जुड़े 36 एजेंडे रखे गए। सभी एजेंडों पर विस्तार से चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई। अब इसे नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद झमाझम बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब पानी नहीं गिरने से तापमान फिर बढ़ गया है। रायपुर का तापमान गिरने के बाद 10 डिग्री तक बढ़कर 38 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसा ही हाल प्रदेश के कई जिलों का है। रायपुर, माना, बिलासपुर और राजनांदगांव में लू की स्थिति भी बन गई है। कोरबा सहित प्रदेश के 7 जिलों में आवासीय कॉलेज बनेंगे। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। आवासीय महाविद्यालय भवन की निर्माण लागत 10,06,05,000 रुपए होगी। राज्य सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने इस तरह के 7 नए आदर्श आवासीय महाविद्यालय खोलेगी। आतंकवाद की चुनौती के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने पहले दौरे पर भारत पहुंचे हैं। पोम्पियो मंगलवार देर रात को दिल्ली पहुंचे तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद अब दोनों पार्टियां एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ हैं और मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठक कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की बनाई गई बिल्डिंग प्रजा वेदिका को तोड़ा जा रहा है। इस बिल्डिंग में चंद्रबाबू नायडू अधिकारियों पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करने के अलावा जनता दरबार लगाते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ जारी है। त्राल इलाके के जंगलों में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ फिलहाल जारी है। त्राल के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। टी सीरीज की फिल्म कबीर सिंह ने सोमवार की अपनी कमाई से इस साल के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर इस फिल्म ने सोमवार को जितनी कमाई की उतनी कमाई इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों भारत, उरी, टोटल धमाल और गली बॉय ने भी नहीं की। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा को मुंबई में परेल के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती किया गया है। ब्रायन लारा को सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है।